अभी हम शून्यता से शुरू करेंगे, स्टार्ट विद शून्यता अगेन, क्योंकि शून्यता हमें रिसेट करेगी। सभी लोग अपना आंखें बंद कर लीजिएगा और 9 to 0 जाएंगे हम लोग इसमें, और 9 to 0 जाके फिर हम सेशन को शुरू करेंगे। सभी लोग स्टार्ट करिएगा शून्यता को, क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ इन, एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और जाने दीजिए। नाइन, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज पे जो बात करने वाले हैं दोनों ही कवर करेंगे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे और डीएक्सएम प्रोडक्ट्स अच्छे से कंज्यूम कर रहे होंगे, क्योंकि डीएक्स समय ऐसे हैं हम जो कंज्यूम करेंगे और हमें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी जिससे हम लोग कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ में जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अरे हाँ हमें काम करना है, हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है, हम आराम से कर सकते हैं। बट कई बार वो लोग नेटवर्क छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा। उसका क्या रीजन है? उसका एक रीजन है इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स। जो टूल्स आप जानते हैं क्या होते हैं? टूल्स हमारे एक तरीके से औजार होते हैं जिनको हम हर एक काम के लिए यूज करते हैं। सपोज मैं एक लेडी हूं, मैं घर में खाना बनाऊंगी तो मुझे टूल्स के लिए बर्तन चाहिए। अगर मेरे पास बर्तन नहीं है तो मैं खाना नहीं बना सकती। आप लोग आज प्रेजेंटेशन सुन रहे हो तो उसके लिए आपको एक मोबाइल या एक लैपटॉप चाहिए, जिससे आप इंटरनेट चाहिए जिससे आप उसको कनेक्ट कर सको। दिस इज योर टूल फॉर अ मीटिंग, कि आप मीटिंग सुन रहे हो, मीटिंग सुनने के लिए हमारे पास एक टूल है कंप्यूटर या मोबाइल। सो ऐसे हमारे टूल्स होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए जिससे हम काम कर सके। तो कौन कौन से टूल्स ऐसे होने चाहिए डीएक्सएन में, डीएक्सएन बिजनेस को करने के लिए, उसे बिल्डअप करने के लिए जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सके? तो व्हाट्स इन योर टूल बॉक्स, आपके टूल बॉक्स में क्या क्या है जो हम इजीली यूज कर सकते हैं? सो इसमें एक और चीज है, एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक कील है, आपको कील ठोकनी है, वो कील ठोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप जाएंगे आप एक हथौड़ा लेंगे, या अगर आपके पास हथौड़ा नहीं होगा तो क्या करेंगे? अगर आप उसे हाथ से ठोकने लगेंगे तो क्या होगा? कील तो ठुकेगी या नहीं ठुकेगी, आपके हाथ में चोट लग जाएगी, हाथ से खून बहने लगेगा। और इसी के कंपैरिजन में अगर आपके पास वो हथौड़ा होता, वो एक हैमर होती, तो उस हथौड़े के थ्रू आपको कील ठोक सकते थे और आपका काम वो बहुत चुटकियों में और बहुत सेकंडों में आसान हो जाता। सो दोस्तों ये एग्जांपल से समझिए कि टूल्स की कितनी बड़ी महत्ता है हमारे जीवन में और हमारे डीएक्सएन बिजनेस में। स्माइल इज एन एक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव योर लुक्स इन एन एक्सप्रेसिव वे, मतलब अपने आप की जो फेस पे स्माइल है। अगर आप भरत जी को देखो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये हमेशा जब भी बात करते हैं इनकी फेस पे स्माइल रहती है, तो वो स्माइल जब होती है तो आदमी देख के ही बोलता है अरे बड़ा अच्छा आदमी है। उसका मतलब उनको जरूरत नहीं कहने की कि मेरा क्या वजूद है या मैं कौन हूँ या मैं क्या चीज कैसी बात करने आपसे वाला हूँ। अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, मेरा फेस जस्ट लाइक बहुत सैडिंग हो, तो आपको क्या लगेगा? यार बड़ी खड़ूसी है, पता नहीं क्या बोलेंगी, पता नहीं क्या बात करेंगी। और अगर फेस पे स्माइल होगी ना, तो आप सामने वाले को अपने आप स्माइल करने मजबूर कर दोगे। कहा जाता है गिव स्माइल एंड टेक स्माइल। आप लोगों का स्माइल चल रहा है, चलते हुए भी अगर लोगों देख के मुस्कुराओगे ना, तो वो आपको देख के मुस्कुराएंगे। उसका रीजन है क्योंकि एक स्माइल ही ऐसी चीज है जो कभी बिना कुछ दिए बहुत कुछ ले लेती है। तो अगर फेस पे आपके स्माइल, एक बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए हमेशा, ये आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्च के आपके पास है। उसे स्माइल करते रहिए और लोगों के पास इनवाइट, लोगों को इनवाइट करते रहिए। हमारा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो गया अब आपके लिए आपके प्रोडक्ट्स, जो हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स हैं आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। जस्ट लाइक हम अपने पास रखते हैं हमेशा, हम रखते हैं हमारे पास जस्ट लाइक हमारे ये टूल्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे कि कुछ हमने कॉर्नर बनाया हुआ है,
हम मैं बोलती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में कि आपके घर में मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। इस कॉर्नर में सारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे ड्राइंग रूम में बने हुए हैं, तो ये सब हमारे पास होने चाहिए ताकि हम लोगों को दिखा सके क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास होना चाहिए एज अ टूल, तभी आप उसको दे सकते हो। आप चाय की बात कर रहे हो, चाय है नहीं, बंदा कहता है अच्छा चाय तो बहुत अच्छी है, आप पिलवा के दिखाइए, और चाय तो है ही नहीं, तो आपके पास टूल की कमी हो गई। आपके पास अपने सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एज अ टूल। हमारी कॉफी है, इसको हमारे पास पाउच में ऑलवेज पॉकेट में होना चाहिए। अगर आप किसी घर जा रहे हो तो अपने एक एक पाउचेस सारी कॉफीज अपने प्रोडक्ट्स के एक एक चीजें पास होनी चाहिए बैग में, ताकि आप उसे निकाल के शो कर सको कि देखिए ये है। हाँ जी, हमारे डीएक्सएन प्रोफाइल है, कितने लोगों के पास प्रोफाइल है डीएक्सएन का, होगा लोगों के पास, तो इस तरीके से प्रोफाइल अपने पास होने चाहिए। गुड, ये प्रोफाइल अपने पास होने चाहिए ताकि आप लोगों को बिना कुछ बोले समझा सको कि ये हमारी कंपनी है और कंपनी ने क्या क्या चीजें बना रखी है, कैसे वो काम करती है, सब कुछ आपके इस कंपनी प्रोफाइल में आता है। ठीक है, आपका एक डीएक्सएन का ये एक प्रोडक्ट कैटलॉग है जिसे आप शो कर सकते हो, ये बहुत इंप्रेसिव है। आपको पता है जब ये नहीं था हमारे पास डीएक्सएन में, तब हम लोग कहते थे कैटलॉग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं ऑलवेज हमारे बैग में कैटलॉग है और किसी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं है या इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सके, तो हम उन्हें सिर्फ कैटलॉग पे ही दिखा के, क्योंकि आप हर समय प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते बैग में से, आप कहीं खड़े हो तो प्रोडक्ट कहाँ के दिखाओगे, नहीं दिखा सकते। सो ये जो कैटलॉग है इसको आप निकाल सकते हो और इसको ऐसे ही खड़े होकर हम लोगों को दिखा सकते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट्स हमारे हैं और ऐसे ऐसे ही ब्लर्स हमारे काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इफेक्टिव टूल है डीएक्सएन लाइफ। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मैगजीन है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। लोगों को दिखाना और उसको समझाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टूल है हमारा जो है डॉक्टर लिम की बुक थी, कितने लोगों ने वो बुक पढ़ी है, हमने पढ़ी है। मैं बुक अभी बुक जो है वो हम रेगुलर पढ़ते हैं, उस बुक को लेने नहीं पता कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है। जब मैं सोती थी तब भरत लिख रहे होते थे, जब मैं रात में उठती थी किसी काम के लिए तब भी ये लिख रहे होते थे। तो मैं सोचती थी कि आप सोते भी हो, कितनी इन्होंने मेहनत की है इस बुक की पर मुझे पता है, और किसके लिए की है, आप लोगों के लिए, आप लोग हमारी फैमिली हो। उन्होंने कहा एक फैमिली मेरी भाभी है शिप्रा, जिसको जरूरत है कि मैं उसे कुछ ऐसा दूं जो एक निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। तो ये बुक ऐसी है जो मुझे लगता है हर किसी के पास होनी चाहिए। तो अभी लोगों के ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, मैं आप सबसे भी बोलूंगी आप लोग अपना एक ऑर्डर बनाइए, क्वांटिटी लिखिए और व्हाट्सएप पे भरत को सेंड कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग लोगों के जैसे ही कोरियर सर्विस शुरू होगी, सब कुछ नॉर्मल होना शुरू होगा, हम इसको आगे पोस्ट करना शुरू करेंगे। दोस्तों ये एक बात और भी है, ये चीज ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि जब कोई विचार आता है तो वो तुरंत कई बार तो ऐसा हुआ, मुझे आज भी याद है, मैं फ्लाइट में था और एक विचार मुझे आया और वो विचार आया उसके बाद मेरे पे लिखने को कुछ नहीं था, तो मैंने उस समय जो मेरा बोर्डिंग पास था उस पे एक वो लाइन लिखी, वो पहली लाइन ही मैंने उसमें डाली कि बिना रुके बिना थके आपका लक्ष्य है शीर्ष पर पहुंचना, जो सोचते तो सोचते क्या हो, बढ़ाओ बढ़ाओ कदम लक्ष्य की ओर। ये लाइन मुझे क्लिक करी फ्लाइट में, और वो फिर जब हम लोग बॉम्बे गए थे, बॉम्बे की फ्लाइट का मुझे ध्यान है, जब हम बॉम्बे की फ्लाइट से उतर वापस उतरे तो मैं देखा इनका पूरा टिकट वो पूरा लिखा हुआ था, मैंने ये क्या लिखा है, बोले जब बुक आएगी तो बताऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ये चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ है। इनफैक्ट अभी हम लोगों का तेलंगाना में मैंने अपना बुकिंग भी किया हुआ था डॉक्टर लिम के इवेंट में, जो हम लोग शून्यता ट्रेनिंग करते हैं, पर समहाउ डॉक्टर लिम का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया और हम लोग वहां नहीं जा पाए थे। तो वो सब चीजें थी, ये अब तक लॉन्च हो गई होती बट लॉकडाउन की वजह से लॉन्च भी नहीं हो पाई, और ये ऑलमोस्ट लॉन्च है, प्रिंटिंग हो चुका है ऑलरेडी, प्रिंट बस मेरे पास तक पहुंचना बाकी है, प्रिंटिंग प्रेस पर रखा हुआ है और बुक्स, एंड आप मुझे अपने अपने ऑर्डर्स एंड क्वांटिटी में इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि मैं अपने स्टाफ को इतने वो फ्री है अभी स्टाफ, तो काम पे लगा दूंगा कि भाई वो सारी चीजों को तैयार करके रख ले, किस किस को कितना कितना भेजना है, और कुरियर सर्विस जैसे ही खुलनी शुरू होगी वी कैन डिलीवर टू यू। या ड्रीम डायरी, गोल डायरी, आई थिंक जो लोग यहाँ शुरू से भरत की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं उसमें भरत ने बताया था कि आपको एक ड्रीम डायरी बनानी बहुत जरूरी है, गोल डायरी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी ड्रीम डायरी नहीं होगी तो आप अपने ड्रीम्स किसमें लिखेंगे। ड्रीम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बताते हैं कि अपने ड्रीम्स को हमें सोचना चाहिए, हमें उसे जीना चाहिए। मैं अपने सारे सपनों को सोच के उनको जीती हूँ, जैसे भरत ने अपनी डायरी बनाई हुई है और इस डायरी में सारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं, ये अंदर रोज लिखते हैं उसमें कि इनको क्या चाहिए या क्या करना चाहते हैं। इनकी गोल डायरी है जिसमें ये बनाते हैं कि किस तरह से मुझे आगे काम करना है, किस चीज के लिए मुझे आगे काम करना है।
डायरी में लिस्टिंग बहुत जरूरी है, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए डायरी पे। और ये भी भरत ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है आपके लिए कि हमें लिस्ट कैसे बनानी है। अगर हमारे पास लिस्ट होती है, मैंने तो अभी ये काम शुरू किया है इस लॉकडाउन में कि लिस्ट जो हमने बनाई हुई थी उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपको बोल देते हैं कि हमें काम करना है बट अभी हम बिजी हैं, या अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं बिजनेस या जॉब में बिजी हूँ। उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस टाइम में अपनी जॉब में होते हैं पर्टिकुलर, या अपने बिजनेस में होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता। बट अब इनके पास टाइम होता है कि वो आपसे बात करेंगे और आपकी बात समझेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका प्लानर, नोट डायरी और पॉकेट डायरी, पेन। पॉकेट डायरी और पेन बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक हमने स्टेप की डायरीज बनाई हुई है, ये मेरे बैग्स में हमेशा रहती है, भरत की पॉकेट में रहती है, पेन हमेशा साथ में रहता है। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है किसी से बात कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, बट आप मोबाइल में डायल नहीं कर पाते, तो आप डायरेक्ट उनसे लिख लीजिए, या आपको उन्हें कुछ लिख के देना है तो आप उन्हें दे सकते हो। अभी इसमें शो प्रॉपर नहीं हो रहा शायद, इसमें प्लानर है ये, तो भरत ने इसमें सब नोट किया हुआ है कि किस डे पे किस समय मुझे कहाँ जाना है और किससे बात करनी है। अभी हम कहीं जा नहीं सकते तो अभी हम प्लान कर सकते हैं इस समय इतने लोगों से मुझे बात करनी है, तो ये बहुत जरूरी है और बहुत इफेक्टिव भी है। नोट्स डायरी बनानी बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो अलग अलग डायरी भरत दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग डायरी बनाई हुई है, ये उनकी अपनी अलग डायरी है जिससे उनको कंफ्यूजन ना हो मुझे किसमें क्या लिखना है। एक डायरी ये हो गई, ये प्लानर डायरी हो गई, और ये इनकी नोट डायरी हो गई। जो भी दिमाग में नोट्स इनके आते हैं मीटिंग में, जो नोट्स हम बनाते हैं ऐसे, प्रोफेसर साहब की मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लीडर्स अपनी अच्छी अच्छी मीटिंग्स दे रहे हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन हम सुनते हैं तो बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलता है। तो भरत ने इसमें अपनी नोट्स सब लिखते हैं ताकि वो उसको याद रख सके, वरना वो हम ऑब्वियसली भूल जाएंगे कि किस तरीके से हमने सुना था और क्या हमें बोलना है। आपको काम कैसे करना है, नेटवर्क की फाइल कैसे बनानी है, एक नेटवर्क फाइल बहुत जरूरी बनाने के लिए वो बहुत नेटवर्क फाइल में बेसिकली देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ ये ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ वर्चुअल लेवल पर आ गया है, तो हम लोग प्रिंट आउट निकालना भूल गए। कुछ चीज हो गया, प्रिंट आउट निकालिए, आपका जो बोनसेस आते हैं, बोनस स्टेटमेंट, जैसे आप देखते हैं तो बोनस स्टेटमेंट 6 महीने तक तो हमारे ई वर्ल्ड में रहता है, ई पॉइंट में रहता है, उसके बाद वो फिर डिसअपीयर हो जाता है, हम परेशान रहते हैं कि हमारा बोनस डिसअपीयर हो गया। तो मैं आपको राय दूंगा, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं वो अपने बोनस को डाउनलोड करके एक अलग फोल्डर बना लीजिएगा, दिस इज माय बोनस स्टेटमेंट्स फोल्डर, है ना, उसमें वहां पे वो डाउनलोड करते रहिएगा, ऑनलाइन भरोसे मत रहिएगा। उसके बाद मौका लगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक बाकायदा फाइल पे उन सारे प्रिंटआउट्स को आप जो है प्लग इन कर सकते हैं कि ये मेरे प्रिंटआउट्स हैं, इनको आप उसमें हर मंथली बोनस को प्रिंटआउट को प्लग इन कीजिएगा, और हर टीडीएस को, जैसे हर सालाना एक टीडीएस आता है, उस टीडीएस का प्रिंटआउट निकालिएगा, उसको प्लग इन रखिएगा। जो लोग स्टॉकिस्ट हैं वो जीएसटी इनवाइस भरते हैं, हर लोग वो लोग एक इनवाइस जो कंपनी भेज देते हैं, जो आपने अपने सीए को दे दी, एक इनवाइस जीएसटी इनवाइस आपके अपनी फाइल में भी होनी चाहिए मंथली बेसिस पर। मेरी आप जितनी भी अब तक जीएसटी जुलाई से शुरू हुआ था, जब से लेके अब तक की सारी जीएसटी इनवाइस मैंने एक एक फाइल, वो मेरे सारी फाइल मेरे यहाँ पे, इसलिए आपको व्यू नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मेरे ऑफिस में है, जहां मेरा ऑफिस है वो सारी फाइल्स मेरी वहां पे रहती हैं, वो वहां पे रखी हैं, तो वो सारी चीजें मेरे पास हैं। कल को मुझे कभी भी कुछ देखना पड़ जाए, कोई मेरे पास इनकम टैक्स की कोई रिकवरी आ जाए, इनकम टैक्स का कोई रिक्वायरमेंट्स आ जाए, कोई पूछने को आ जाए, तो मेरे सारे टीडीएस उसमें है, मेरे बोनस स्टेटमेंट्स उसमें है, मेरे बिल्स उसमें है, मैंने कब क्या चीज खरीदी उसका मेरे पास बिल मिलता है, बिल खो जाता है, अरे बिल तो खो गया सर, मिल नहीं रहा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक फाइल बनानी है, उस पर फाइल का नाम डालना है और तुरंत पंचिंग मशीन से पंच करके फाइल में प्लग इन कर देना है। हर एक बिल को आपको मेरे पास वो सारे बिल्स मैंने लगाए हुए हैं, जो हमारे एक्सपेंस के बिल होते हैं वो लगाए हुए हैं। ये प्रोफेशनलिज्म, बहुत जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं, जो लोग मुझे मिलते रहते हैं रूटीन में, वो जानते हैं मैं किस तरह से ये चीजें करता हूं, क्योंकि हमारा करने के साथ में करना और अच्छे से करना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। करने को बहुत लोग करते हैं पर अच्छे से लोग कम कर पाते हैं। जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें फॉर्म, हमें जो रिटर्न फाइल 80G वाला जो मिलता है, उसको भी आप जब आपका सीए दे देता है, उसको लेके आपको फाइल में पंच करना है कि मेरी रिटर्न आईटी रिटर्न फाइल है, राइट। ये अभी आपको अभी से आदत पड़ गई ना आपको, तो ये बाद में बहुत आसान पड़ेगी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये आदत मैं बचपन से रखता हूं। हाँ, इतना केयरिंग नहीं हूं मैं, बट फिर भी चीजों को जगह पे रखना ये हमारी एक आदत होनी चाहिए, सिस्टमैटिकल रखना, क्योंकि ढूंढना जिससे वो आसान रहे। इसी तरह नेटवर्क फाइल बनाइए, इसका एक एडवांटेज और होगा। मान लीजिए आज आपका 100 रुपए का बोनस आया है, 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी को मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे शायद 100 रुपए से,
पर कल फिर आपका 500 का आया, फिर आपका और 6 महीने बाद 2000 का आने लगा, और साल भर बाद आपका 10,000 20,000 50,000 का बोनस आने लगा, वो फाइल तब काम करेगी। देन आप किसी भी नए व्यक्ति को दिखाएंगे, देखो फर्स्ट बोनस मेरा 100 रुपए का आया था, दूसरा 200 का आया, फिर 400 का आया, फिर देखो 400 का रिपीट हुआ, देन ये यू सी माई बोनस। देन वो बोनस फाइल जो हमारे बोनस स्टेटमेंट की फाइल है वो बहुत इफेक्टिव रहती है एट दोस टाइम जब आप एक सक्सेसफुल हो जाते हैं या कभी आप 10 लाख रुपए कमाने लगे, देन आप याद करेंगे, रियलाइज करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने नए लोगों को दिखाएंगे कि देखिए वो कंपनी है जिससे मैंने 100 रुपए का बोनस भी उठाया था। मुझे आज भी याद है पहला बोनस मेरा 41 रुपए 40 पैसे का आया था, वो बोनस आप मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों ये वो चीज है जो चीजें हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं। आगे से अगर पिछला छूट गया है कोई टेंशन नहीं है, आगे से चीजों को सिस्टमेटिकल करिए। एंड ग्रेट गुरुज, ये हमारे वो गुरु हैं, इनको तो सादर नमस्ते और चरण स्पर्श। जून पे हमारा वर्चुअल सादर प्रणाम है प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, ये वो शख्स हैं एस रंजन, मतलब एक जैसे हमारे एक सीनियर सिटीजन हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स में हमारे बड़े होते हैं, वो कितना प्यार करते हैं अपने छोटे बच्चों से। आप मैं बता दूं ये खून का रिश्ता तो नहीं है बट खून के रिश्ते से भी बहुत बड़ा रिश्ता है। ये प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल और एस रंजन, हमको क्या सबको, तो उनके लिए तो भरत या शिप्रा कोई अलग मायने नहीं रखते हैं, वो तो उनके लिए तो कॉमन टू ऑल है। कोई भी सफल ग्रेट गुरु के लिए तो सब लोग बराबर हैं, हर पर हमें भी उतना उन्होंने बचपन से हमें प्यार दिया है, हमने देखा है उनका प्यार, और मेरी तो सफलता में भी नो डाउट बहुत बड़ा रोल है ग्रेट गुरुज का। और डॉक्टर लेम, नो डाउट डॉक्टर लेम भी हमें इतना रिगार्ड देते हैं, इतना प्यार करते हैं, और यही सब चीजें हैं कि आज हम लोग एज अ फैमिली में वो है, और वी आर वेरी लकी आई टेल यू कि इतना अच्छा हमें वो मिला हुआ है। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग, आप भी जो लोग मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, ये स्क्रीन देख रहे हैं, एक बार इन चारों गुरुओं को एक बार आप प्रणाम करके नमन कर लीजिएगा, जिससे आपका इनको आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद हमें मिल जाए और हम लोग आगे प्रोसीड, सफलता की तरफ आगे बढ़े। मैं बताना चाहती हूँ कि भरत ने तो इनको शुरू से ही, जब इन्होंने एक्शन स्टार्ट किया तब से इनके साथ इनके आशीर्वाद के नीचे काम कर रहे हैं। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम मिली, मेरे जो फर्स्ट मेरा जो टूर था वो फर्स्ट टाइम मेरा रहा भोपाल, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो मैं समझती थी, मुझे डर सा था कि हमारे अपलाइन है या ये डीएक्सएन को इंडिया में लेके आए, ये ग्रेट गुरु ऑफ द वर्ल्ड है, तो एक थोड़ा सा होता है अंदर से कि हम डरते हैं। बट जब मैं इनसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी पहली बार ऐसे बंदे से मिले भरत के अपलाइन क्योंकि हमें था। बट जब मैं इसलिए तो परिवार जैसे लगे, जब मैं डॉक्टर सर की मिसेज से मिली तो वो तो बिल्कुल इतनी इतनी हम्बल, इतनी अच्छी हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे लगते हैं। तो इन सबके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप सबने भरत को इतना और हम सबको इतना कुछ सिखाया कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। सो थैंक यू। एंड देखिए आप सबकी ट्रेनिंग के लिए एक टूल की जो हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा ये जो हमारे ग्रेट गुरुज है ना, ये एक हमारी तरह बेस्ट टूल है, ये इनका इनका अनुसरण करना, इनकी बातों का अनुसरण करना भी एक टूल की प्रकार ही है। मतलब मैं इन्हें एज ए मतलब आप इन्हें टूल, इनकी बातों को अगर फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए टूल का काम करेंगे। आरवीसी समय समय पर आरवीसी कैंप्स कराता है, आरवीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है, जितना भी संभव हो सके जहां तक भी आप और आपकी टीम के लोग उस आरबीसी के ट्रेनिंग कैंप्स को फॉलो करें, जहां पे वो सारे सक्सेसफुल लोग, रियल अचीवर्स लोग आते हैं जो अपनी आप बीती, अपनी कहानी, अपनी सक्सेस की स्टोरी, सक्सेस के गुण बताते हैं। और अभी जो हमारा 7 बजे से यूट्यूब पे चल रहा है वो प्रोफेसर सर ने तो वाकई में बहुत बढ़िया काम करा, कितने बड़े बड़े लीडर्स उसमें आ गए। कल फतमई गानी थे उसमें, उससे पहले कुंदन थे, रोशन थे, रीता रवि शायद आज है, रीता रवि आज है उस सेशन में, है ना, और उसके बाद कितने और सफल लीडर्स उसमें आ चुके हैं। और अभी अभी कल प्रोफेसर सर से बात हो रही थी, 21 तारीख को 7 बजे मेरा शेड्यूल सेट हुआ है जिसमें मैं यूट्यूब पे आके अपने जीवन की बातें उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ और क्या मेरे जीवन में मेरी लाइफ स्टोरी के रूप में मैं और शिप्रा प्रेजेंट करेंगे उसको। तो वो आपको अपनी मीटिंग्स के, अपने कैंप के थ्रू बहुत सारे टूल्स देते रहते हैं आपको, जो आपको यूज करने चाहिए अपने लोगों के साथ। अभी हमारी कंपनी पैरेलली हमारे साथ एक और भी बहुत अच्छी देखो ट्रेनिंग पार्ट है कि हमारा जो डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया है, डीएमआई है,
वो भी पैरेलली साथ साथ में हमें बहुत ही यूनिक ट्रेनिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, और उसमें भी वो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग स्पीकर्स को, हम लोगों को, आप लोगों को और बहुत सारे जितने भी ग्रेट लीडर्स, ग्रेट अचीवर्स हैं, वो लोग उस कैंप का हिस्सा बनते हैं, वहां जाते हैं, एज ए स्पीकर जाते हैं, एज ए ट्रेनर जाते हैं, एज ए लर्नर जाते हैं, और पूरा मैनेजमेंट, एक एक छोटी छोटी चीज, हमारा स्टे, हमारा फूडिंग, ये सब चीजें वो अरेंज करके हम लोगों को वो भी कैंप अरेंज करता है। अभी अगर आप देखें तो आगरा में हमारा कैंप था, 10, 11, 12 अप्रैल को हमारा आगरा में लीडर्स का कैंप था, जो हमें इस कोरोना की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा है। और भी रिमेनिंग कैंप्स होते रहते हैं, कभी महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में हो रहा है, कभी भोपाल में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है ना, तो अभी हरिद्वार में हुआ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, जहां पे भी जितना भी संभव हो सके मैक्सिमम लेवल पर आप अपनी टीम को आरबीसी कैंप्स एंड मैनेजमेंट कैंप्स में पार्टिसिपेट कराइए और उसका लाभ लीजिएगा। मीटिंग, सेमिनार, स्कैम्स और रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये ऐसा टूल है जिसको, बहुत से टूल्स ऐसे होते हैं कि हम लिख लेते हैं, हम उन्हें यूज करते हैं, बट आप यहाँ पे जाके टूल्स को कैसे यूज करना है वो भी जरूरी है। जैसे भरत ने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया एक कील और हथौड़े का, बट अगर कील हथौड़ा आपके पास है बट आपको नहीं पता वो कहाँ पे ठोकनी है और कैसे ठोकनी है, तो आप नहीं ठोक सकते। जैसे अगर कोई पत्थर की दीवार है और आप उससे कोई कह दे कि इस पे कील ठोक दो, आप ठोक देंगे? नहीं ठोक सकते, वो टूट जाएगी, मुड़ जाएगी। तो आपको ये भी जरूरी है कि कहाँ पे हमें कौन सा टूल यूज करना है और कहाँ पे कैसे हमें टूल को यूज करना है। तो जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कैंप्स होते हैं, उसमें यही सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास आपकी डायरी है, उस हमने डायरी बताया, डायरी बनानी है, आपने डायरी बना ली, बट एक डायरी बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अभी हमने आपको आज समझाया कि अलग अलग डायरीज में अलग अलग टाइप के नोट्स बनाने हैं, तो ये जरूरी है मीटिंग्स में ही आपके पता लगेगा कि हमें किस तरीके से उन टूल्स को यूज करना है। तो मीटिंग्स, कैंप्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। रिकॉग्निशन नाइट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इतना मोटिवेशन हमको मिलता है, जो मोटिवेशन हमारे काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो नहीं होता तो हम काम ही नहीं कर सकते। अगर आज मोटिवेशन ना हो मुझमें और भरत में काम करने का कि ठीक है यार लॉकडाउन है, एंजॉय करते हैं, घर पे हैं, तो हम काम नहीं कर सकते। हम मीटिंग, हमें और बहुत काम करने के लिए है, तो जब मोटिवेशन होता है ना तब हम काम भी करते हैं। Again, I would like to thanks Professor Vasupal sir and Dr. Ipan Koshi sir. मैं जानता हूँ Dr. Ipan Koshi को personally, मैं 4-5 बार उनसे मिला हूँ, और बड़ा ही humble है और बड़े sweet है। उनका ये जो book है Beyond Modern Medicine, जो RBC की तरफ से हमें मिला है, बहुत ही शानदार book है, बड़ा अच्छा, इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों medium में हमें लाके दिया है। दोस्तों ये डॉक्टर इपन कोशी प्रोफेसर सर के कारण वो इतने बिजी डॉक्टर, इतने सीनियर डॉक्टर हमें मिल पाया और उनका ज्ञान हमें मिल पाया, कितना अच्छा उन्होंने हमें बताया, थ्योरी दी। दोस्तों ये जो डॉक्टर इपन कोशी के बारे में मैं बता दूं आपको कि मैं कई बार रहा हूं साथ में, तो मुझे पता है ही इज द मैन जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और मोर देन 5 बजे, मतलब 5 बजे तो वो बाहर होते हैं, रोड पे होते हैं, और 10 किलोमीटर पर डे ही वो रनिंग करते हैं, शॉर्ट नेकर, शॉर्ट शॉर्ट्स में पहन के, और जो है वो रनिंग करते हुए मिलते हैं। तो ये अपने आप में कमिटमेंट है डेली, नॉट इवन कि वो आज कर लिया और कल कर लिया। मैंने भी एक दिन जब मैंने देखा, मैं मिला उनसे, तो मैंने कहा सर सही है सर, कल मैं जो है आपके साथ मैं भी आऊंगा रनिंग करने, क्योंकि आई लव ऑल्सो फिजिकल। तो बट हुआ क्या कि लेट नाइट सोए, तो सुबह मॉर्निंग में मैं तो 7 बजे सो के उठा, और फिर मेरी बात हुई, मैंने कहा सर मैं तो लेट ही हो गया। उनका यस, यही चीज तो है जो हमें हमें मजबूत करती है कि हमें अपने आप को कमिट होना पड़ता है। तो डॉक्टर इपन कोशी जो भी कोई सक्सेसफुल है वो अपने इन वजह से भी है कि उसने अपने अगर रूल जो बनाए हैं वो उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर लिम आज हमें यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे फेसबुक पे हमें गैनो डर्मा की नॉलेज दे रहे हैं। आज तो गोल्डन एरा है टूल के मामले में, दोस्तों यू पीपल आर वेरी 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 लकी आई टेल यू। आप लोग जिस एरा में आए हो और जिस एरा में आप लोग काम कर रहे हो, हमने डीएक्शन में काम किया ऐसा कुछ भी नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, इमेजिन करो, फेसबुक नहीं थे, यूट्यूब नहीं थे, आज तो सारा ट्रेनिंग आप इस तरह से आप अटेंड कर सकते हो, मिल सकते हो। और अभी आप देखो सारे लोगों ने अपने अपने जो है जूम मीटिंग शुरू किए हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कोई बिहार, कोई नेपाल में, मेरे पास फोन आ रहा है नेपाल के लोग, मलेशिया के लोग, 3-4 लोगों का फोन आया, मलेशिया के लोग थे, जो पीछे मैं मलेशिया गया था पीछे भी वहां मुझे मिले थे, उन्होंने कहा सर आपने मुझे पहचाना, मैं शायद उन्हें नहीं पहचान पाया था, तो उन्होंने फोटो भेजा मुझे अपना कि सर मैं आपको वहां मिला था, देखो मेरे साथ आपका फोटो है, और आप थैंक यू सो मच। मतलब ये वो जूम मीटिंग, लाखों लोग आज नेपाल, नॉट इवन इंडिया,
इंडिया के कोने कोने में, इंडिया भी अपने आप में एक तरह से कंट्री है। आप देखो एक यहाँ पे बैठा है कोई बंगाल से, ऐसे बैंगलोर का मीटिंग अटेंड कर रहा है, हम यहाँ कहीं मीटिंग अटेंड कर रहा है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, इस मीडियम से हम लोग कितनी कितनी दूर से वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी जो कल बातें मैंने बताई थी, हमारे स्टॉकिश ने, गोरखपुर से स्टॉकिश ने, डीके जी ने भेजा, देखो सर मैं ये करता हूँ, बहुत मुझे खुशी हुई। अभी आज सुभाष राय जी से बात हुई, उनका फोन आया था, सुभाष राय जी कह रहे थे, उन्होंने मुझे एक बात मारी, बात बोली, तो बोली, मैंने कहा सर बताइए, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने कहा सर वो आपसे वो वाली बात सीखी थी ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई सुभाष जी, थैंक यू सो मच। कि मतलब ये चीज बेसिकली क्या है, हम अब जो बातें थी वो कहीं ना कहीं कई लोगों को पता होंगी, कई लोग भूल गए होंगे और कई लोगों को पता भी नहीं होंगी, ये जो बातें हमारी हुई है ये सीरीज में, उस सीरीज में आपने बहुत कुछ जो सीख लिया है और जो आने वाले टाइम में सीखेंगे, इतनी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ड्रीम, जैसे मैंने जिस दिन बोला था ड्रीम बनाओ, तो कई लोगों ने ड्रीम बना के मुझे भेजा कि देखो सर हमने ड्रीम लिखे आज अपने, कुछ लोगों ने गोल सेटिंग बना के गोल सेटिंग भेजा मुझे। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता कि लोग, पीपल आर फॉलोइंग और मेरा सपना ये पूरा हो रहा है। और यूट्यूब चैनल जैसे है, आप नोट कर लीजिएगा, भरत गर्ग डीएक्शन करके यूट्यूब चैनल मैंने पिछले 2 साल पहले से बनाया हुआ है, और जहां पे लगभग 400 से भी ज्यादा वीडियोस पड़े हैं, पुराने वीडियोस भी बहुत सारे सफल लीडर्स के, उनके सक्सेस स्टोरीज पड़ी हैं, जो आप जब भी फ्री रहते हैं या जो ये मीटिंग्स हैं इनको बाद में भी रिवाइव करना हो तो आप यूट्यूब चैनल्स पे बना सकते हैं। विजय जी ने आज देखो बहुत अच्छा काम किया, डीएक्शन के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना दिया है, जहाँ पे आप अपनी पुरानी मीटिंग्स या जो ये मीटिंग्स चल रही है उस पर जाके आप वहां पे देख सकते हैं। ड्राई गैनो हमेशा अपने पास होना चाहिए। ये ड्राई गैनो जो है मेरे पर्स में हमेशा रहता है, इस टाइप की मैंने एक पैकेट, ये मेरे पास पैकेट है, इस पाउच के अंदर मैं ड्राई गैनो रख के अपने पर्स में रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि एक तो ये आपको बहुत हेल्प करता है, इसमें स्पिरिचुअल पावर है, जो एक दैवीय शक्ति जिसे बोलते हैं, तो आपको वैसे बहुत हेल्प करता है कि कैसे हमारे को वो हेल्प करता है अपने डेली रूटीन में, जैसे एक देवी शक्ति हेल्प करती है। दूसरा, हमें बहुत इजी होता है लोगों को समझाने के लिए। ड्राई, हम बात करते हैं डीएक्शन की, तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई गैनो, गैनोडर्मा। हम बताते हैं गैनोडर्मा के बारे में, गैनोडर्मा प्रोडक्ट में हमने डाला हुआ है, इस प्रोडक्ट में काइंड ऑफ मशरूम है, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, उन्हें लगता है कि मशरूम जो मार्केट में मिलते हैं या हमने देखे हैं वैसा मशरूम होगा, तो आप उन्हें निकाल के दिखा सकते हो और वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जिन लोगों को मैंने दिखाया आज तक, वो सब अरे ये गैनोडर्मा है, अच्छा दिखाओ, और वो टच करते हैं, कुरेद के देखते हैं कि इसे कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कि क्या है, कोई पॉलिश तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, जो जो आपको इफेक्ट कर रहा है मीटिंग्स में आने के लिए। ये बहुत जरूरी है आपके पास होना, आपका विजिटिंग कार्ड। भारत हमेशा बोलते हैं कि विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ये एक विजिटिंग कार्ड की कहना चाहिए कवर है जो मेरे पास रहता है, ये विजिटिंग कार्ड्स हैं। मेरा विजिटिंग कार्ड अलग है, भारत का अलग है, हम दोनों अपना विजिटिंग कार्ड अलग रखते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए जो हम लोगों को दे सकें। और आपने देखा इसमें कितना अच्छा मैटर दिया हुआ है भरत ने, अर्न इनकम एक्स्ट्रा इनकम, तो आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इस तरीके से आप छपवा सकते हो ताकि आप हर टाइप के बंदे को दे सकते हो, वो समझ सकता है इन शॉर्ट में कि क्या है इनका प्रोडक्ट है या क्या ये काम करते हैं, ताकि वो बाद में आपको कॉल कर सके। ओके, नक्शा है मतलब आप ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हो, किसी को अगर आप दिखाओगे अपना ये मेंबरशिप कार्ड तो वो बड़ा खुश होता है, अरे वाह आप ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हो, मींस कि हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं और कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सबके पास होना जरूरी है, जितने मेंबर्स हैं उनके पास अपने पॉकेट में, जितना इंपॉर्टेंट आपका विजिटिंग कार्ड है उतना इंपॉर्टेंट आपका मेंबरशिप कार्ड है, दोनों को ही संग में होना चाहिए ताकि आप लोगों को दिखा सको कि कितनी इंपॉर्टेंट कितनी हाई लेवल पे हम काम कर रहे हैं, कि हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसी तरीके से हमारे कुछ टूल्स में आता है हमारे डीएक्सएन का पिन और डीएक्सएन का की रिंग और टाइप इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूं कि जब मुझे फर्स्ट टाइम जो राउंड वाली डीएक्सएन की पिन आपको दिख रही है, ये मुझे फर्स्ट टाइम पिन मुझे मिली थी कबीर सर से। कबीर सर ने मेरी मीटिंग थी, मुझे जब मैं मीटिंग ले रही थी तो संजना मैम के थ्रू मुझे ये गिफ्ट करवाई थी कि शिप्रा वेल डन, तुमने बहुत अच्छी मीटिंग, तुम्हारा गिफ्ट है ये, और वो आज तक मेरे पास है रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे वो याद रहता है कि देखो मेरे को ये गिफ्ट मिला था। और डीएक्सएन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जब हम इसे लगाते हैं तो एक तो ये बहुत इंप्रेसिव है, सुंदर लगता है, दूसरा हमारी
अंदर से फीलिंग्स जो जुड़ी हुई होती है वो शो होती है कि आप गिफ्ट कर सकते हो लोगों के, आपके जो लोग आपके संग जुड़े हुए हैं, जो आपके संग काम कर रहे हैं उनको आप गिफ्ट कर सकते हो। की चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब भी मलेशिया से घूम के आते हैं तो यहाँ पे आके लोगों को की चेन ही गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वहां का एक अब तो इंडिया में मिलना शुरू हो गया है, बट पहले हम मलेशिया से ही लेके आया करते थे, तो हम इसको गिफ्ट करने के भी काम में लिया करते थे, डीएसएन मेंबर्स को भी, अदर मेंबर्स को भी, और सब अपने घर में भी यूज करते हैं। कॉलर पिन ये सब अभी डीएक्शन मैनेजमेंट का, डीएक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट का मैं पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सारे आइटम कॉलर पिन, टाई पिन और की चेन्स इससे पहले मलेशिया में ही मिल पाती थी, मलेशिया जब जाते थे तो वहीं से लेके आ पाते थे, और अभी आज हमारे मैनेजमेंट के माध्यम से ये सब चीजें इंडिया में अवेलेबल हैं। आप सब लोग इन्हें अपनी स्वेच्छा से ऑर्डर कर सकते हैं अपने स्टॉकिस्ट के द्वारा और ये चीजें लगा के यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। आपकी कैप है, टी शर्ट है, टाई है, बैग्स है, बैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डीएक्सएन बैग्स, मैं आपको बताऊं मेरे खुद के घर से मैं लोगों को जब प्रोडक्ट देती हूं तो मैं अपने घर में भी सारे प्रोडक्ट्स उनको डीएक्सएन बैग्स में ही देती हूं, और वो डीएक्सएन बैग आज ऐसी पोजिशन हो गई है कि मेरी कॉलोनी में या मेरे नॉन लोग कहीं पे मार्केट में मिलते हैं तो यहाँ पे डीएक्सएन का बैग होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे की एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम लोगों से ही है, हमारा एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी नहीं करती, मतलब अदर कंपनी नहीं करती, कोई टीवी नहीं करता, कोई और नहीं करता, हम खुद ही उसके एक ब्रांड अम्बेसडर हैं जो उसको हम प्रमोट कर सकते हैं या उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो सारे लोगों के हाथ में डीएक्सएन बैग्स मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है देख के कि अरे सब यूज कर रहे हैं। टी शर्ट इतनी यूनिक है, इतनी अच्छी है, मैं अपने बेटा, मेरा बेटा शीश जो है मेरी टी शर्ट लेके मस्त पहन लेता है, ये भी बहुत सुंदर अच्छी टी शर्ट है, मुझे आप दे दो मुझे पहननी है, तो ये यूनिक होती है। आजकल फैशन के मामले में देखा जाए तो लेडीज को बहुत ज्यादा होता है कि मेरे ऐसे कपड़े किसी और के पास ना हो, तो डीएक्सएन टी शर्ट किसी और के पास नहीं मिलेंगी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत और बहुत अच्छे हैं, कैप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, टाई भी बहुत ही अच्छी है, ये सब आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम, जैसे मैंने कल भी बताया था आईवीआर सिस्टम बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव है हमारे लिए, जो टूल का काम करता है ये भी, ये जो 9355492200 इस नंबर के माध्यम से हम जो है ये देख सकते हैं कि जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम मंगा सकते हैं और वो आगे हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चुअल टूल है, कोड मैसेज के थ्रू बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, बोनस क्या था, मेरा पिन क्या था, और जो मैंने कल पूरा ट्रेनिंग में आपको समझाया ये हाउ टू ऑपरेट दिस टूल। मेंबरशिप फॉर्म अगेन ये डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म है, आप अपने स्टॉकिस्ट को ऑर्डर दे दीजिएगा, मंगा ले लीजिएगा, अपने पास चार पांच मेंबरशिप फॉर्म रखिएगा, अदरवाइज आप जो है अपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसे भी भेज सकते हैं, चार पेज में प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगेन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डीएक्सएन प्राइस लिस्ट, ये प्राइस लिस्ट भी आप एक्सेल पे टाइप कर सकते हैं या आप डीएक्सएन कंपनी साइट पे जाएं, डीएक्सएन ऑर्डर फॉर्म के रूप में कस्टमर के नाम से वहां पे ये है एक्सेल में है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सिस्टम पे और फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, राइट। इसमें एमआरपी भी हो, डीपी भी हो, पीवी हो, डिफरेंस हो, ये सारी चीजें आप लिख के आप अपने लोगों को ये रेट लिस्ट फिजिकली लेवल पर दे भी सकते हैं। इसको मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं, जैसे कभी होता है कि आपके पास नहीं है तो मोबाइल में सेव होना जरूरी है ताकि आपको उसके रेट कभी भी और कैसे भी आप लोगों को बता सकें। या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मेंबरशिप डाटा अपडेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। समटाइम्स हमारे टीम में लोग जुड़ जाते हैं और उनको छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, पैन नंबर अपडेट नहीं हुआ या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, बैंक डिटेल अपडेट करानी है, तो ये से आप उन्हें मेल करके मंगा लीजिएगा अपने पास। इसका इस समय वॉल्यूम 4 है लेटेस्ट जो है, तो वॉल्यूम 4 आप मंगा लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा। और आपकी टीम में छोटे छोटे इश्यूज की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, देखो वही मैंने बोला काम को करना और काम को अच्छे से करना, तो आपकी गिनती अगर एज ए क्राउन एम्बेसडर मैं हूं तो मैं काम को अच्छे से करना जानता हूं, करता हूं, अपनी टीम को सिखाता हूं, इसलिए मैं आज एक सक्सेसफुल क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, तो ये अगर आपकी टीम को पता रहेगा कि इसके माध्यम से इसे भर के इसे dxndelhi@gmail.com पे मुझे मेल करना है तो वो प्रॉब्लम्स मिनटों में सॉल्व हो जाती है। मतलब कई लोग कहते हैं जी मेरा तो ये चीज 2 महीने से नहीं हुआ, 2 महीने से मैं लगा हुआ हूं, प्रॉपर चैनल नहीं पता था उन्हें, प्रॉपर सिस्टम नहीं पता था, और अगर वो चीजें इस सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो मैं नहीं मानता कि उन्हें विदिन अ डे 24 आवर्स में उनका ये काम हो जाएगा, और तब भी नहीं हुआ तो फिर आप एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा एंड देन आपका वो काम, वो अपडेशन हो जाएगा। इट्स अ कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, डीएक्सएन कंपनी हमें ईयरली टेबल कैलेंडर प्रोवाइड कराती है और बहुत अच्छी बात है ये जो आप अपने लोगों को दे
सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। और वो मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर ये टेबल कैलेंडर के साथ में आने वाले फ्यूचर में हैंगिंग कैलेंडर भी अगर मिलेंगे तो वो हम थोड़े वो इकोनॉमिक होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में वो टंगे रहेंगे। हैंगिंग एक ऐसा सिस्टम है कि वो हैंग हो जाता है इजिली और वो पूरे साल का एक पेज में रहता है, तो वो भी हम फ्यूचर में कंपनी को सजेशन दे सके हैं। ठीक है, एज ए ई वर्ल्ड मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था आपको अपने टॉपिक में, उसमें ये है ई वर्ल्ड का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अभी ई वर्ल्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में डीएक्सएन इंडिया में ई वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के नहीं थे, ई वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं थे क्योंकि हमारा काम ई वैलेट से ही चल जाता था। लेकिन अभी जो कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिगार्डिंग ऑनलाइन रिगार्डिंग ये सारी चीजों में ई वर्ल्ड का ही बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपनी टीम के लोगों को एजुकेट करना शुरू कीजिए कि ई वर्ल्ड में जाके फर्स्ट टाइम लॉगिन में जाके रजिस्टर्ड करना, उसमें फिर अपने आप को उसमें सारी चीजें देखना, वो सब चीजें आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक बेसिक प्लान है ये 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25 स्टार एजेंट रूबी डायमंड, ये एक बेसिक प्लान है हमारा डायमंड तक का। इसका एक प्रिंटआउट आपके पास आपकी फाइल में होना चाहिए, या अगर आपके पास अभी आप देखें डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान करके जो हमारा अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान करके मैनुअल है उसमें ये सारी बातें आसानी से दी गई हैं, तो ये चीज जरूर आपके पास होनी चाहिए। अभी जैसा कि हम जानते हैं आईओसी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन रहा है इंडिया के लिए, तो इसमें भी आपके पास ये पता होना चाहिए कि ये क्या है स्ट्रक्चर, इसका भी एक प्रिंट आउट हो आपके पास, है ना, तो बहुत आसान रहता है इसका रखना। और एक चीज और मैं बता दूं, अक्टूबर में शुरू हुआ था तो अक्टूबर यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अप्रैल मंथ के आज जो क्लोजिंग होगा, जो कंपनी हमें 11th जनरेशन के बाद जो कमीशन देती है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग इनकम 1.5%। तो आपको मैं गुड न्यूज दे दूं इस जूम चैनल के माध्यम से कि इस मंथ की क्लोजिंग के बाद 6 महीने पूरे हो जाएंगे आईओसी को चलते हुए, तो उसका जो 1.5% प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी हमें इस लॉकडाउन पीरियड में हेल्पफुल रहेगा। उसका बोनस, उसका जो भी वो अमाउंट होगा, उसका वो अमाउंट हमारे लिए एक बोनस का काम करेगा लॉकडाउन पीरियड में। तो थैंक्स टू डीएक्सएन की उन्होंने इस टफ टाइम में, वो टाइमिंग भी देखिए कि जब आप नेचर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो नेचर भी आपका ध्यान रखती है कि लॉकडाउन में आपको एक बोनस के रूप में आईओसी का प्रॉफिट शेयरिंग इनकम मिलेगा। राइट विजय जी, है ना, ऐसे ही होगा ना, राइट? तो ये चीज भी हमें मिलेगी। एंड अनदर थिंग, अभी जैसे दुबई और लास्ट ईयर था, जो कमिंग ईयर है ये दुबई और हैदराबाद का, ये हमारा ये भी एक तरह से टीएसआई टूल है, और टूल ये जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे कि भाई इस तरह के टूर्स हमारे इसमें आते हैं, सिस्टम में आते हैं, जहाँ पे हम देश विदेश घूमते हैं, 26 बार से भी ज्यादा मैं विदेश ट्रेवल कर चुका हूँ इस डीएक्सएन मैनेजमेंट में टीएसआई के माध्यम से, और इंटरनेशनल लेवल पर तो ना जाने कितने टूर्स अलग अलग स्टेट्स में जाके मैं कर चुका हूँ। So, दोस्तों ये भी हमारे पास एक टूल का ही काम है, जो डीएक्सएन हर साल एक रिकग्निशन करती है जिसमें स्टेज पे बुला के हमें सम्मानित किया जाता है स्टार एजेंट्स, स्टार रूबी, स्टार डायमंड्स को और एंड उससे ऊपर के लोगों को, तो वहां पे वो एक पिन हमें देती है। ये एक पिन होती है, गोल्ड पॉलिश पिन होती है, और इसमें हमारा स्टेटस लिखा होता है, गैनोडर्मा शेप की होती है, डीएक्सएन इसमें एम्बॉस होता है। ये भी अगर आप अपने उस अचीवमेंट को कॉलर पे लगाएंगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो देखा कई लोगों ने पूरा अपना ऊपर से नीचे तक, जैसे जैसे कर्नल्स और लोग अपने मेडल्स को लगा लेते हैं, बिल्कुल पूरा शुरू से लेके अपने हाइएस्ट लेवल तक लगा के बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों का वो लेवल। दोस्तों अगेन एंड अगेन, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसा समुद्र है जिसे जितना पढ़ते रहे उतना कम है। ये एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, लक्ष द वेलनेस रेवोल्यूशन, सोचिए और अमीर बनिए, सीक्रेट सवाल ही जवाब है, ये वो सारी बुक्स हैं जिनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये एक बहुत बेहतरीन बुक है बिजनेस 21st सेंचुरी का, जो बिजनेस स्कूल है, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और सोशल मीडिया, अगेन एंड अगेन, सोशल मीडिया भी हमारे लिए एक टूल का ही काम करता है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और आपका जितने भी ये सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, ये सारे लोग आज इसके माध्यम से लाखों लोग आज अपने संदेश भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, तो ये हमारे लिए एक टूल ही हो गया। और बहुत से लोग इस टूल का उपयोग बखूबी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड अनदर बहुत बहुत जरूरी चीज जो है पासपोर्ट, ये पासपोर्ट एक ऐसा टूल है कि डीएक्सएन में हम लोग जुड़ जाते हैं, काम करते हैं और फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर लेते हैं। कितने केस हमारे पास आए, लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया और बाद में उन्होंने देखा कि हमारे पे पासपोर्ट है ही नहीं, और कई लोग तो इस वजह से
पासपोर्ट ना हो पाने की वजह से विदेश नहीं जा पाए, वो तो थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट की, अभी पहले पासपोर्ट का जो प्रोसेस था वो एक एक दो दो महीने लगते थे, बहुत प्रोसेस टफ था, लेकिन अभी तो 10 दिन में 15 दिन में भी पासपोर्ट बन जाता है। बट मैं यही आपसे चाहूंगा कि अगर आप डीएक्सएन में हैं तो इस टूल का भी इस्तेमाल करके आप अपना पासपोर्ट बना लीजिए। तो दोस्तों ये जो बातें हमने बताई आपको, ये बातें तो बातें हैं और बातें ये वो हैं जो हम करते हैं, जो एक सफल व्यक्ति को करनी चाहिए। एक और टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन ड्राइव, है ना। ये पेन ड्राइव भी है जो आप एज ए टूल काम करती है, आपके पास एक पेन ड्राइव भी होनी चाहिए, डाटा को आदान प्रदान करने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। बहुत कुछ है, एंडलेस है ये चीजें जो आप जिनका कोई वो नहीं है, ये जो हमारे दिमाग में आया ये बेसिकली प्रेजेंटेशन जैसा मैंने बोला शिप्रा ने बनाया था अपने लोगों को, जब एक कैंप में बात आई थी कि शिप्रा को प्रेजेंटेशन देना है बहुत नया प्रेजेंटेशन देना है, तो इन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना एक टूल के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाया जाए। इसलिए जो है आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि शिप्रा ने भी समय निकाला और हमें हमारे लोगों को ये प्रेरित किया। महिलाएं बहुत है हमारे साथ और आप लोगों के साथ इस बात को सुना होगा उन्होंने शिप्रा की, तो ये टूल का उपयोग करिएगा। और आई होप कि ये बातें आपको कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, वो लोग अपना आगे से करके इनको ध्यान दीजिएगा और अपने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज दीजिएगा, जिससे मैं अपने स्टाफ को काम पे लगा सकूं, वो आगे की तैयारी कर ले कि जैसे ये कुरियर सर्विस शुरू हो आप लोगों को ये कदम लग की और बुक प्रोवाइड हम करवाना शुरू करें। बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि हम अभी से जो लॉकडाउन में जो काम कर सकते हैं वो काम करके हल्का कर लें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू।